ओ गाइस आप समझ गए होंगे आज का मार्केट का ओपनिंग देखकर आप समझ ही गए होंगे मैंने आपको क्या करा एनालिसिस बता दिया था। बस मेरी बातों का ये कभी भी मतलब कभी नहीं लेना कि मैं भगवान बन जाऊं या फिर मुझे सब कुछ दिख रहा है। कभी भी ना कभी ये चीजें को ये डिस्कस करना, बस एक सिंपल चीजों को समझना। मैं मार्केट को समझ कैसे रहा हूं, इसके की पॉइंट्स क्या है, उसकी चीजें क्या है, ये बस आपको फोकस करना है और उसके ऊपर लर्निंग के साथ साथ चलना है। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको कल आपको एक भी पूछा था वीडियो के एंड में, मैंने एक चीज आपके साथ पूछी थी कि कल क्या दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है कि मैं अभी मेरा बोलने का मतलब क्या है, क्या आप एक लाइन में बता देना कमेंट करके। नियर अबाउट कोई 30-40 लोगों के कमेंट भी आए हैं, मैंने खुद से पढ़े कि सर्कल क्वांटिटी को कम कर देना है, लॉसेस से बचना है, ये सारी चीजें। तो एग्जैक्टली अगर आप देखते हैं तो जस्ट लुक एट द मार्केट, पहली ओपन होता है पहले यहां पर ओपन हुआ, यहां पर ओपन होता है, सेलिंग क्रिएट हुआ, फिर वही उतना बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर उतना ही सेलिंग हुआ, फिर बाइंग के प्रेशर क्रिएट कर रहा है। मतलब इट्स लुक लाइक हमने जो प्लान बनाया था उसी की तरफ चल रहा है, मार्केट में कोई डायरेक्शन मिला ही नहीं है, ये आपको ऑलरेडी समझ गए होंगे। दैट्स आई एम जस्ट टोल्ड यू एवरी टाइम कि ये सीखो, ये समझो कि व्हाट अबाउट द चार्ट्स। एंड देखो इस फेजेस में ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल से बता दूं। अब हमने क्या प्लान बना के रखा है कि भाई ये तो प्लान है कि आज मार्केट में थोड़ा सा खुद को बचाना है, दैट्स इट। अब फिर भी वो क्या करे होता है यार, मेरे साथ भी हुआ है तो मुझे पता है। यहां पर क्या कर, अगर सोचो किसी ने ट्रेड लिया, यहां पर उन्होंने ट्रेड लिया 1500 रुपीज या फिर 2000 रुपीज का लॉस कर देंगे। अब उनका जो लॉस हो जाएगा, ये लॉस होते ही उनको ये बात याद आएगी कि अरे यार कल ओमी सर ने तो बता दिया था। मैं मेरी ऑडियंस की बातें कर रहा हूँ, बाकी लोगों को मुझे नहीं पता, मैं मेरी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। इतना लॉस होगा तो फिर उनको याद आएगा अरे ओमी सर ने तो बता दिया था यार, शांति से बैठना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था चीजों को। फिर उनको बोलते चलो ठीक है यार, कब क्या कर सकते, तो क्या करते चलो एक ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रेड ले लेते हैं, 1500 रुपए भी बन जाएंगे ना मेरे, ये 1500 भी मेरे बन जाएंगे ना, तो भी ठीक है, मैं 1500 मतलब 1500 का लॉस है उस हिसाब से, 1500 बन जाएगा तो मैं क्लोज कर दूंगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, उनको और 1500 रुपए का लॉस दे देता है और उनका लॉस चला जाता है 3000 रुपीज पे। अब उनके मन में तो अरे यार ये तो क्या हो गया, मैं तो बस 1500 रुपीज पे स्टॉप करने वाला था, मेरा तो लॉस बढ़ रहा है। तो अब उनके मन में तो चलो ठीक है यार, 3000 तो पता है कुछ नहीं कर सकता, एक ट्रेड और एक ले लेते हैं और सोचते कि चलो इसमें 1500-2000 के आसपास तो कुछ कमा ही लूंगा और कम से कम लॉस तो रिकवर कर ही लूंगा। और वो लॉस इसी रिकवर के लिए 2000 रुपीज का वापस से रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि 3000 है ना, अब तो अमाउंट बढ़ गया। 1500 रुपीज का लॉस रिकवर करने के लिए आपने क्वांटिटी कितना लिया था, आपने दो लॉट लिए होंगे, लेकिन आपका लॉस अभी 3000 का हुआ है, तो उसको कवर करने के लिए आपने लॉट कितने लोगे, आप यहाँ पर आप 4 लॉट लोगे, क्योंकि आपको पता है लॉस तो जल्दी रिकवर करना है। आप जैसे 4 लॉट लोगे, यहां से मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या करता है आपको वापस से लॉस देगा और आपका लॉस एट द एंड में 5000 के आसपास पहुंच जाएगा। अब 5000 पे लॉस जाने के बाद अब दिमाग में आता है अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो पहले से पता था, देखो निफ्टी नीचे करा, अभी अभी जस्ट स्टोरी पे डाला था मैंने इंस्टा के स्टोरी पे कि सेल करने वाला हो तो 50% क्वांटिटी को सेल करो, इससे ज्यादा सेल करने की जरूरत नहीं है। होप आप यहाँ पर भी आपने एक ही बार में पैसा जनरेट कर भी लिया होगा इस पे फेज में, तब तक आपको ये वीडियो दे रहा हूं तब तक इंस्टा के मेंबर ने स्टोरी पे पैसा बना भी लिया होगा। अभी अभी जस्ट शेयर किया था कि अगर आप सेल करना चाहते हो तो बस 50% क्वांटिटी ले लो, भले ही छोटा पैसा बने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5000 तो उनका तब पता चलता है यार मैंने ये क्या कर दिया यार, गलती से ऐसा कैसे होगा यार, मैं तो गलत कर गया पहले तो। इसीलिए जब आपको क्लियरिटी ना हो मार्केट की, ये लॉसेस को होने ही मत दो, आपके साइकोलॉजी को ही मत बिगड़ाओ। ये ज्यादातर केसेस में ज्यादा सस्ते नीचे नहीं करेगा, ये बात को मैं पता है, इसीलिए तो कल इतना वीडियो में ठोक के बोला ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा लोअर लेवल पे, क्योंकि सारा लेवल जितना ही ज्यादा जितना ज्यादा होल्ड कर रहा है ऐसे ही आज के दिन पे भी होल्ड करने वाला सिनेरियो दिख सकता है। एक्सपायरी है भाई की, मतलब सॉरी निफ्टी को हम मम्मी बोलते हैं और बैंक निफ्टी को पापा बोलते हैं, तो मम्मी आज हमारी मदर एक्सपायर हो जाएगी और कल जाकर फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्टिल आज इनको थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है, इनको आज थोड़ा सा टाइम देना ज्यादा जरूरी मुझे लग रहा है, क्योंकि एक मैं वेट करता हूँ। देखो कई बार ना मार्केट जब भी हमें कंटिन्यूसली पैसा दे या फिर जब जब मार्केट बताए ना कि मैं नहीं देने वाला आज तुझे कुछ भी करके, तो उस दिन के लिए खुद को बचाना भी ज्यादा जरूरी होता है। ये मत समझना कि आज एक्सपायरी है तो कुछ बड़ा बनेगा तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। देखो एक्सपायरी हो या कुछ भी हो, आपका फोकस हमेशा यही रहना चाहिए, वॉट एवर एनी केसेस मुझे हमेशा मार्केट में बस सस्टेन करना है, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मुझे बस सस्टेन करना है। व्हाट इज द मीन बाय सस्टेन, व्हाट इज द मीन बाय सेम द सेम, एवरी डे पे आकर मैं रिस्क हमेशा 10% के अगर ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ये रिस्क आपकी कितनी भी हो सकती है, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अगर एवरीडे पे अगर 10% के रिस्क ले रहा हूं तो उसके ऊपर मैं एवरीडे पे 10% के रिस्क लेते ही चला जाऊंगा।
एवरीडे पे 10% की रिस्क लूंगा। कभी मार्केट मुझे इसके अंदर अंदर 10% पे कभी 20% भी दे सकता है, कभी मूड में आया तो कभी 40% भी दे सकता है, कभी मार्केट अगर एक्सपायरी के दिन पे बड़ा मोमेंटम आया तो उसके अंदर मुझे 60% का रिटर्न दे सकता है, या फिर वॉट एवर एनी केसेस मार्केट में 100% का रिटर्न भी बन सकता है। जीरो हीरो कॉल को भी ढूंढते नहीं है, जीरो हीरो कॉल बन जाता है हम ट्रेड लेने के बाद से। ये बात अभी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। लोग क्या बोलते हैं, जीरो हीरो को फाइंड आउट करो, जीरो हीरो मुझे चाहिए, ये चाहिए। भाई हीरो, जीरो हीरो ढूंढा नहीं जाता, जीरो हीरो लेने के बाद बनता है। मतलब अपने सिंपल सा फंडा है कि आपने 20 रुपीज का प्रीमियम पे कोई 20 रुपीज पे कोई कॉल लिया, 20 रुपीज पे आपने कोई कॉल लिया, लेकिन उस 20 रुपीज के कॉल पे आपने ट्रेड करते समय तो सेम ही लिया 20 रुपीज का, इसका रिस्क आपका 10 रुपीज का था, 10 रुपीज आपका एसएल था, यहाँ पर 10 रुपीज का आपका एसएल था। मार्केट ज्यादा मोमेंटम कर गया ना, वी डोंट नो, देखो कैंडल बताया था ना कल, ये जाकर ये आज फंसाएगा आपको, कम करो, देखो कैंडल्स, और क्या चाहिए आपको, और आज और ज्यादा लुटना है तो आ जाओ मार्केट में। पहले तो बता दिया, सामने सामने तो सारी चीजें हो रही है, सब कुछ तो सामने ही हो रहा है आपके। सो जस्ट लुक एट दैट, 20 रुपीज पे लिया है, 10 रुपीज का एसएल लगा रखा, अब क्या पता है और मार्केट यहां से भागा तेजी से और ये चला गया 100 रुपीज पे, ये बन गया जीरो हीरो। जीरो हीरो बनता है, बनाया नहीं जाता, प्लान नहीं किया जाता। हाँ, इट इज पॉसिबिलिटीज की भाई हम 10 रुपीज पे ले रहे तो पॉसिबिलिटी 30 रुपीज 40 रुपीज पे चला जाए, हीरो बन जाए। इट इज जस्ट अबाउट द पॉसिबिलिटीज के मार्केट जा सकता है, हम उसके अगेंस्ट में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस एंट्री लेना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना हमारे हाथ में होता है। होप आप समझ गए होंगे। अभी के लिए बस यही पर रुकता हूं, क्योंकि ज्यादा टचअप करने का कोई मतलब नहीं। अगर कुछ चीजें अच्छी दिखती है तो टेलीग्राम पर जरूर अपडेट करूंगा। टेक केयर गाइस।